वेलकम स्टूडेंट्स, वीडियो के पसंद आने पर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये ईपीएस का जो है सेट टू है मॉडल पेपर का, और इसमें 70 क्वेश्चन का वन सेट है, और मैं आपको चार सेट बना के दूंगा। उम्मीद करते हैं कि चारों सेट में से जो है यदि आप ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में 100% आने का संभावना है, चांस है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। इसका सही आंसर है आंतरिक मांग की मात्रा। आपको ए में टिक आउट कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मांग पूर्वानुमान में शामिल है। सही आंसर है इसका अल्पकालीन पूर्वानुमान। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सहायता है, ये पुनः भुगतान जो है आर्थिक सहायता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बाजार मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभाव डालता है। तो ए है सूक्ष्म वातावरण, ये सही आंसर है नंबर ए, सूक्ष्म वातावरण। आगे है, किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना है डैश, सही आंसर है आवश्यक, आवश्यक होता है। आगे है, विपणन स्वभाव में शामिल है, ग्राहक है, बी दिया हुआ है उत्पादन, सी है उत्पाद नियोजन। इसका सही आंसर है नंबर सी, उत्पाद नियोजन। आगे है, वाणिज्यिक अवसर संबंधित होता है। इसका सही आंसर नंबर ए है, वाणिज्यिक संभाव परियोजनाओं से, नंबर ए में टिक आउट करना है आपको। आगे है, बाजार मांग माना जाता है। इसका सही आंसर है मांग की भविष्यवाणी, नंबर बी में टिक आउट करना है। आगे है, उपक्रम की स्थापना में शामिल है, नंबर ए सही आंसर है कच्चा माल। आगे है, एक सफल उद्यमी में गुण होने चाहिए, तो ये इसका ए भी सही है नव परिवर्तन, बी भी सही है नियंत्रण, सी भी सही है, आपको डी में टिक आउट करना है उपर्युक्त सभी। आगे है, नियोजन है, तो नियोजन जो होता है ना वो, इसका भी ए सही है, बी सही है, सी सही है, नंबर डी में टिक आउट करना है आपको उपर्युक्त सभी। टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है, टेरी के अनुसार नियोजन के चार प्रकार होते हैं, नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, DPR है, इसका सही आंसर है कार्यवाही योजना, नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपकरणों के परिमापीकरण में कमी होती है। इसका सही आंसर है बाहरी बाधा, नंबर सी में आपको टिक आउट करना है। अगला क्वेश्चन है, परिमानीय परियोजनाओं से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है परिवार कल्याण, नंबर सी में आपको टिक आउट करना है। आगे है, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है, नंबर ए दिया हुआ है अस्थाई कार्यशील पूंजी, यही इसका सही आंसर है, आपको नंबर ए में टिक आउट कर देना है। आगे है, पूंजी गहन तकनीक एक प्रकार का डैश है, इसका सही आंसर है तकनीक, नंबर बी सही आंसर है। आगे है, जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया था IFCI, नंबर ए इसका सही आंसर है, आपको नंबर ए में टिक आउट कर देना है, ठीक है। आगे है, अंशदान है, इसका सही आंसर है नंबर सी, बिक्री घटाओ परिवर्तन लागत, नंबर सी में टिक आउट कर देना है। आगे है, समविच्छेद की उपयोगिता में शामिल है, इसका सही आंसर है नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि लाभ सुधार भी सही है, जोखिम भी, मूल्यांकन सही है, नैदानिक सही है, नंबर डी में आपको टिक आउट करना है। स्टॉक आवर्त अनुपात होता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, नंबर भी सही आंसर है क्रियाशीलता अनुपात। चालू अनुपात होता है, ये आर्थिक चिट्ठा अनुपात को हम चालू अनुपात भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है, ये प्रारंभिक व्यय का अपलेखन, ये संचालन व्यय नहीं है। प्रबंध के कार्य है, प्रबंध के पाँच कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के प्रबंधन के कार्य को प्रतिपादित किया गया था, इसका सही आंसर है 1916। आगे है, वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है, तो इसका सही आंसर है अप्रत्यक्ष उत्पादन। आगे है, प्रदूषण के कारण है, इसका सही आंसर है जंगल की कटाई, नंबर बी। बोनस अधिनियम पारित हुआ था, तो बोनस अधिनियम जो है 1965 में पारित हुआ था, नंबर डी सही आंसर है। आगे है, समृद्धि के स्तर हैं, इसका सही आंसर है विकास, नंबर ए। फ्रेंचाइजी के अंतर्गत, फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि आप किसी भी वस्तु को बेचने के लिए जो है ना कंपनी से डायरेक्ट लाइसेंस अपने पास ले लेते हैं, आपके अलावा उस वस्तु को कोई और होलसेल नहीं कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी। सही आंसर नंबर ए है, उत्पादन पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास रहेगा। आगे है, मजदूरी भुगतान अधिनियम लागू हुआ था, इसका सही आंसर है नंबर सी 1936 में। आगे है, कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है, तो जो कार्यशील पूंजी होती है उसका प्रकृति अस्थिर होता है, बदलती रहता है।
आगे है सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है। तो जो विविधीकरण होता है ना, वह चार तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। नंबर सी में टिकआउट करना है। आगे है विपणन अवधारणा का महत्व है समाज के लिए, उपभोक्ता के लिए, उत्पादक के लिए, इनमें से सभी, ये सभी आंसर सही है। आगे है बाजार बेधन है, तो ये जो है ना पुरानी संपत्ति नए से बदलना, दूसरा है दूसरी के बदले बदलना, तीसरा है एक संपत्ति नगद बेचना। नंबर सी इसका सही आंसर है, एक संपत्ति नगद बेचना। आगे है क्या किसी निश्चित निर्णय के पहले आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? बिल्कुल आवश्यक होता है, नंबर ए हाँ जरूरी है। आगे है निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? नंबर ए है व्यावसायिक अवसर, ये निर्मित अवसर। नंबर बी सही आंसर है इसका। आगे लाभ अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं संचालन, मनोभाव, फिर आगे दिया हुआ है अनुक्रिया। नंबर डी है संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया, तीनों ऑप्शन सही है। नंबर डी में टिकआउट करना है। आर्थिक सहायता है नंबर सी, पुनः भुगतान। आगे है व्यवसाय का नियामक ढांचा किससे संबंधित होता है? इसका सही आंसर है व्यवस्थापन से। आर्थिक नीतियां क्या निर्धारित करती है? व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, नंबर सी सही आंसर है। अल्पकालीन पूर्वानुमान कितनी माह की अवधि को शामिल करता है? इसका सही आंसर है 12 माह, शॉर्ट टर्म जो होता है 12 महीने के लिए होता है। आगे है प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है, प्रेरणाएं छूट, कर से मुक्ति, बीज पूंजी का प्रावधान, फिर आगे है एकमुश्त भुगतान। इसका जो है ना सही आंसर है डी, एकमुश्त भुगतान। आगे है बाजार मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? तो वास्तविक मांग, मांग की भविष्यवाणी, पूर्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मांग भविष्यवाणी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं? प्रतियोगिता, प्रतियोगिता बहुत जरूरी होता है, उत्पादन लागत, लाभ की संभावना, आप इनमें से सभी सभी को टिक आउट कीजिए। आगे है यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करेगा? इसका सही आंसर है एकाकी व्यापार। यदि आपको कम पूंजी से व्यापार शुरू करना हो तो एकाकी व्यापार, थोड़ा अधिक करना हो तो पार्टनरशिप, और भी अधिक करना हो तो कंपनी। सही आंसर नंबर ये हो जाएगा, एकाकी व्यापार। आगे है परियोजना को के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है तो विनियोजन, सही आंसर है इसका। आगे है गर्भावधि संबंधित होती है विचार सृजन अवधि से, मतलब किसी भी काम को आपने किया नहीं है, मन में सोचे हैं तो ये विचार ही हो रहा है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विचार सृजन अवधि से। आगे है नग्न ऋण पत्र होते हैं आरक्षित, अनसिक्योर्ड होते हैं, नंबर सी सही आंसर है। आगे है उत्पादन प्रक्रिया के चरण हैं, तो उत्पादन प्रक्रिया के जो है कितने चरण होते हैं? ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और इनमें से सभी, आपको जो है इनमें से सभी, उपरोक्त सभी में टिक आउट कर देना है। आगे है सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है ये चार तरीकों से, नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे है प्रबंध कला है, इसका सही आंसर है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम करवाने की, नंबर सी में आपको टिक आउट करना है। आगे है विपणन अवधारणा है, ये जो है ना विपणन जो होता है, विपणन का मतलब मार्केट होता है, इसका सही आंसर है ग्राहकोन्मुखी, मतलब माल को बेचना। IDBI किस वर्ष स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर है 1964। टेलीफोन व्यय है अर्धचल, सही आंसर है। एकीकरण का अर्थ है बाह्य विस्तार, आंतरिक विस्तार, आंतरिक एवं बाह्य विस्तार, फिर दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक एवं बाह्य विस्तार। निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? तो निर्मित अवसर जो है अवसर का प्रकार होता है, नंबर बी सही आंसर है। गैर बैंक साधन है व्यापारिक ऋण का साधन है। कंपनी अधिनियम लागू हुआ था 1956 में, कंपनी अधिनियम लागू हुआ था। आगे है सामाजिक ढांचा की रचना होती है जाति के क्रियात्मक विभाजन से, नंबर बी सही आंसर है। आगे निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी होता है? तो बाजार का निर्धारण, इसका सही आंसर प्रतियोगिता होगा। आगे है आविष्कार का, आविष्कार बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः वृद्धि करता है बिक्री, बिक्री इसका सही आंसर है। एक मिनट, और भी कोई आंसर है? लाभ भी सही है, बिक्री भी सही है, तो तीसरा ऑप्शन सी दिया हुआ है, लाभ एवं बिक्री।
सी में टिक आउट करना है आपको। आगे है परियोजना निम्नलिखित से संबंधित नहीं होती है, तो परियोजना नव प्रवर्तन, कल्पना शक्ति और जोखिम, और तीसरा डी है सृजनता। ये परियोजना जो है सृजनता से संबंधित नहीं होती है, नंबर डी सही आंसर है। आगे है परियोजना रिपोर्ट सारांश है, ये विश्लेषण का सारांश है, नंबर सी सही आंसर है। आगे है पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है, पहला है लाभ अर्जन प्रक्रिया, पुनर्भुगतान मतलब द्वारा जो हम पेमेंट करते हैं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नंबर डी में टिक आउट कर दो, तो इनमें से कोई नहीं। आगे है विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिताओं की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है, तो इसमें से जो है ना विनियोग करना, हम तो संस्थाओं को बड़ी मात्रा में क्या विनियोग करना होता है, तो रुपया विनियोग करना होता है, कैश तो दिया हुआ है नहीं, तो कोई भी आंसर सही नहीं है, आपको इनमें से कोई नहीं, डी में टिक आउट करना है। अगला क्वेश्चन है टेक्निकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका सही आंसर है नंबर बी 1986। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, सभी के प्रति, कर्मचारी के प्रति, कर्मचारी के प्रति सही आंसर है, सरकार के प्रति नहीं, ये प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति, इसका सही आंसर नंबर ए होगा, सभी के प्रति। आगे है उत्पाद रूपरेखा तैयार करते समय ध्यान रखें, उत्पाद रूपरेखा प्रमापीकरण विश्वसनीयता, फिर आगे दिया हुआ है एक मिनट, प्रमापीकरण विश्वसनीयता, उत्पादनशीलता और फिर उत्पादनशीलता, उत्पाद है तो उत्पादनशीलता, नंबर सी में टिकआउट कीजिए। अगला क्वेश्चन है उत्पाद अंतरलय को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो उत्पाद ही होगा, इसका सही आंसर जो है वो उत्पाद मतलब होता है वस्तु का बनाना, विपणन का मतलब बाजार होता है, इसका सही आंसर नंबर ए है विपणन। चलिए ये था हमारा ईपीएस का सेट 2, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो के पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा पूरा प्रयास होगा आपकी कमेंट का जवाब देने का। थैंक्स।